तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो कौन होगा इस हफ्ते घर से बेघर, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, और कौन है वोटिंग ट्रेंड में कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड व्रेंड पे तो बिल्कुल जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो ट्रेंड चलते ही रहेंगे। और देसी भाषा के अंदर मैं आपको बता दूं कि इनको तो हम साइड रखते हैं, इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपको बताता हूं कि हमें आखिर दिख क्या रहा है और मेकर्स क्या चाहते हैं और किसकी कहानी में कितना दम है, उस हिसाब से बताते हैं कि अब कौन होगा घर से बेघर। क्लियर कट दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुनव्वर फारूकी नंबर वन है, बहुत तगड़ी वोटिंग हो रही है, वोटिंग की बारिश हो रही है लगातार, चाहने वाले जितना बिग बॉस उन्हें टारगेट कर रहे हैं उतनी और तादाद से उनको वोट बढ़ रहे हैं। हर एक एपिसोड में, हर एक चीज के अंदर अगर उनको बिग बॉस द्वारा, सलमान द्वारा, कंटेस्टेंट द्वारा जो उन पे जितने आरोप और जितना उनको टारगेट किया जा रहा है, एक हार्ड कोर फैन और उनके लगातार इंस्टा पे जो फॉलोअर बढ़ रहे हैं वो लगातार मुनव्वर फारूकी के लिए ही वोटिंग कर रहे हैं। और ये हमने बिग बॉस 14 में भी देखा था, जब रूबीना दिलाई को टारगेट किया था उतना ही उनकी वोटिंग में काफी इजाफा हुआ। तो यही दिख रहा है कि जितना टारगेट कर रहे हैं उतना और ज्यादा ऑडियंस, जनता मुनव्वर फारूकी के लिए वोटिंग कर रही है। और वो कह रही है कि इस सीजन में ये जो भी इस सीजन के अंदर जिस हिसाब से मुनव्वर फारूकी खेल रहा है उन्हें वो पसंद है। लेकिन हम बताते हैं आपको बिल्कुल ठेठ भाषा में कि भैया आखिर घर से कौन निकलना चाहिए और ये बंदा निकल रहा है 100%। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अरुण पे गाज गिर सकती है, अरुण समर्थ या फिर आयशा पे, इन तीनों में से कोई एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा इस हफ्ते, 100% होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीधा सा है कि अरुण की कहानी अब दिख नहीं रही है, उनका बीच बीच में मुद्दों में कूदना, उनका बीच बीच के अंदर आना और बेफालतू के मुद्दों में अपना मुद्दा बना लेना, उनकी स्टार्टिंग से यही पॉलिसी रही है। जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हों और अगर सामने वाले से जो वो दो लड़ रहे हैं अगर उनका जो दुश्मन है तो उसके अगेंस्ट दूसरे वाले से हाथ मिला के कूद पड़ते हैं। समर्थ कम यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी ईशा के साथ था वो जितना भी था बिग बॉस को जो कॉन्टेंट था वो निकल चुका है। और आयशा ने लगातार जो आरोप लगाए हैं उनमें भी अब कोई दम बचा नहीं है। तो जो गाज गिरने वाली और वोटिंग के तहत भी इनके पास इतनी अच्छी खासी वोटिंग नहीं है। तो क्लियर कट अगर हम देखें कि बिग बॉस को अब जो 15-20 दिन गेम चलानी, एक कहानी और एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसके कारण वो अपने एपिसोड काट सके, तो अरुण के साथ कुछ भी नहीं। अरुण तो गायब भी हो जाते, कुछ एपिसोड तो ऐसे आ रहे जिसमें अरुण देखे ही नहीं जा रहे। हाँ, अरुण जब भी दिखते हैं, जब दो लोग लड़ रहे होते तो वो बीच में कूद जाते। तो अब इस कंटेस्टेंट के साथ ना ही वोटिंग है, ना ही गेम में दम है और ना ही कोई कंटेंट है। तो सीधा क्लियर कट है, समर्थ, आयशा या फिर अरुण में से कोई एक इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएगा और पूरे चांस है कि इन तीनों में से कोई एक इस बार ही निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें मनारा हो गई या विक्की हो गया, अंकिता हो गई या मुनव्वर या अभिषेक, इनके पास एक कहानी और कहीं ना कहीं इनके पास एक फैंडम भी है जो इनको प्यार करता हो, तो बिग बॉस भी ये चीज देखेगा ना, यार मैं उसको रखूं ना जिसको लोग देखना चाह रहे हैं और उसकी कहानी में भी दम है, मैं उसको कैसे रोक लूँ जिसके पास वोटिंग भी नहीं है और वो कुछ शो में कुछ कर भी नहीं रहा। तो ये जो तीन कंटेस्टेंट हैं इन पे गाज गिर सकती है। और बाकी मुनव्वर फारूकी नंबर वन है और अच्छी खासी उनको वोटिंग मिल रही है। आपका इस मुद्दे पे क्या है कहना और आपके मुताबिक कौन जीत रहा है बिग बॉस 17, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी ग्राउंड रियलिटी भी आ गई है इंडिया गेट से, तो उसको भी आप देखें और उस पर भी बताएं कि आपको वो कैसा लगा। और एक और दो तीन पार्ट है उसके, एक दो तीन पार्ट और आने वाले, तो वो भी जरूर देखना और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन लगता है कि बिग बॉस 17 का कौन बनेगा विनर। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। नंबर वन मुनव्वर फारूकी और क्लियर कट है इन तीन में से कोई एक जाने वाला, क्योंकि अब इनकी गेम में वो धार या वो दम नहीं है जो मेकर्स को चाहिए 15-20 दिन गेम चलाने के लिए।